काफी नहीं होता है। जस्टिस तब होगा जब उस व्यक्ति न खाली केस जीता जब उसके साथ साथ तो उसको अपना जमीन का जो कब्जा है वो भी वापस मिला है तभी हम इसे कंप्लीट जस्टिस बोल सकते हैं तो आज वही सारे जो प्रोविजन जो हमारे सीपीसी के केसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे जमीन का कब्जा कर लेने की बात करें किसी ने आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है कि आपका पार्टीशन का केस चल रहा है आपके भाई ने आपकी ज़मीन को पकड़ के रखा है मकान मालिक है किराया पकड़ किरायादार जमीन को पकड़ के रखा है खाली नहीं करा मकान को पकड़ के रखा है किसी ने आपसे पैसा ले लिया है और वो पैसे आपको वापस दिए वो भी संपत्ति के दायरे में ही आते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं जहाँ पे आप केस जीत तो जाते हो आपको कोर्ट ने बोल तो दिया है कि हाँ ये आपको मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए लेकिन कैसे वो किस तरीके से आपको मिलती है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ में आज हम जो मेन बात करने वाले हैं सीपीसी के मुख्य वो जो धाराएं हैं जो इस एजुक्यूशन के बारे में बात करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जितने सिंपल से सिंपल तरीके से मैं बता सकूं एक आम पर्सन को जो समझ आने वाली जो बात होती है उसका मैं करूँगी तो आज की जो हम देखेंगे कि किस तरह के प्रॉपर्टी होते हैं और पूरा क्या प्रोसेस होता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं कि किस तरह के प्रॉपर्टी का हम रिकवरी या पोजेशन मतलब अपना कब्जा जो है वो वापस ले सकते हैं किस कितने तरह की संपत्ति होती है देखिए ये आ जाती है दो तरह की संपत्ति होती है एक तो मूवेबल और दूसरी होती है इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है या चल संपत्ति हम किसे बोलते हैं तो चल संपत्ति जो वो होती है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है जैसे आपका गाड़ी हो गया ज्वेलरीज हो गया है ना शेयर्स हो गए तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती है जो एक जमीन पे स्थिति नहीं होती यहाँ से वह उसकी हम मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन उसका एक वैल्यूएशन होता है उसका अपना एक एक मूल्यवान चीज होती है और फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हम मनी सूट की बात करते हैं यहाँ पे मोवल प्रॉपर्टी अधिकतर मनी सूट पे ही ज्यादा उपयोगी होता है किसी ने मेरे से पैसा लिया है पांच लाख पैसा लिया है और मुझे वापस नहीं करा मैं केस जीत कोर्ट ने बोला कि हाँ जो डिफेंडेंट है वो इसे पांच लाख रुपए दे अब डिफेंडेंट के पास भी अपना कोई जमीन जायदाद तो नहीं है जिसको मैं अटैचमेंट कर सकूं तो यहाँ पे क्या अटैच होगा अटैचमेंट होगा अगर मेरे पास पता है कि उसके पास पे इतनी सारी ज्वेलरीज है या उसके पास में जो गाड़ी है ये जो अटैच टाइप के और जिसका एक वैल्यूएशन होता है वो लिस्ट मुझे कोर्ट पे देना पड़ता है और वहाँ से मुझे मेरी जो जो मैंने केस जीता है उसका मुझे मुझे मेरा जो पैसा जो मिल रहा है वहाँ से कोर्ट मुझे वो निकाल के देता है ये आती कौन सी धाराएं में ये आती है आपका ऑर्डर ट्वेंटी वन रूल सेवेंटी नाइन में ये आती है जिसमें बहुत क्लियरली बोला गया है मैं पढ़ देती हूँ रीड दैट वेट रिमूबल प्रॉपर्टीज टू बी सोल्ड ऑफ विच एक्चुअल सीजर हैज़ मेड इट बी टू द परचेजर इसमें दो तरह से होता है या तो वो चीजें जो आपने लिस्ट बना के दिए जिसका आपने के वैल्यूएशन बताया, वो चीजें देख आपको दे दे, या फिर उसका कुर्की होता है, उसका कुर्की होने के बाद जो उसका जो पैसा मिलता है, वो आपको दिया जाता है। Very mobile property is in the possession of some person. After the end of judgment date, the delivery to the purchaser shall be made after giving the notice to the person in possession of prohibiting him to deliver the property to any other person except the purchaser. उसके साथ में ये भी किया कहा गया कि लोग बहुत चतुर होते हैं अब उनको पता है कि भैया अटैचमेंट में तो मेरा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे मतलब ये चीज़ लगा देंगे मेरा गाड़ी को लगा सकते हैं ज्वेलरी को लगा सकते हैं तो वो क्या करते हैं किसी और को वो चीज़ें दे देते हैं तो इस स्थिति से भी निपटने के लिए कानून की धारा बनी है कि अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के पास भी है तो उनको एक नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद से उनसे कब्जा लेकर वो जो एक्चुअल ओनर है मतलब जो जिसने जो केस जीता है उसको

कि कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे, बारे में अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी को आप वो कैसे लेना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करा के जो ट्वेंटिफ है या जो केस जीता है उसको देना मतलब तो एक प्रोसेस की जो बात जो हो गई है वो आपका ऑर्डर ट्वेंटी वन रूल थर्टी वन में हो गया है और उसमें एक पर्सन को भी अपॉइंट किया जाता है जो, जो होता, वो अपॉइंट किया जाता है जिसका काम होता है ये कोर्ट अपॉइंट करता है रिसीवर को और उसका काम होता है कि वो थर्ड पर्सन से लेकर जो एक्चुअल जो केस जीता है उसके हाथ में दे तो ये प्रोसेस आपको बताया गया ऑर्डर ट्वेंटी रूल थर्टी में और जो प्रॉपर्टी लेने और देने का जो एक्चुअल बात पा जो है ऑर्डर ट्वेंटी वन रूल सेवेंटी नाइन में किया गया है ठीक है

थर्टी फाइव ये बोलता है डिग्री इज फॉर डिलीवरी ऑफ इमूवर प्रॉपर्टी पोजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी शेल बी डिलीवर टू दार्टी टू हूम इट हैज और टू द पसन बिन अपॉइंटेड बाई दैट पर्सन टू रिसीव द डिलीवरी ऑन हिस बिहाफ एंड इफ नेसेसरी बाई रिमूविंग एनी पर्सन बॉर्ड बाई द डिग्रीज टू वैकेट द लैंड इसमें बहुत क्लियर बोला गया कि जो केस दी जाता है उसको कब्जा उस जगह का मिल जाना चाहिए या तो उसे मिले या फिर अगर वो अपना एक कोई एजेंट अपॉइंट करता है या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है तो उसको दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए जो जमीन का कब्जा पकड़ के रखा है उसे खा, उससे खाली करा कर देना चाहिए तो जो ऑर्डर जो होता है रिकवरी प्रोसेजन का जो ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली ऑर्डर ट्वेंटी रूल थर्टी के तहत में ही होता है And very decrees for joint possession of immovable property, it shall be delivered by affixing a copy of the warrant in some conspicuous places of the property and proclamation by beating of drums or at the customary mode the substance of the decree at some convenient place. ये जो joint possession की जो बात होती है, अधिकतर partition के जो केसेस होते तो हैं, उसके लिए कही जाती है, और इसका प्रोसेस बताया गया है कि जो ऑर्डर है उसको फिक्स किया जाता है मतलब उसको चिपकाया जाता है कॉपी ऑफ जिसे बोला जाता है उसको एक जगह पे ऐसी जगह पे चिपकाया जाता है जहाँ सब उसको पढ़ सके और लोगों को ऑफ ड्रम के थ्रू आजकल तो चीजें नहीं होती है लेकिन ये ये कि जो भी मोड है जैसे सबको पता चले कि हाँ ये अब इस जमीन का जो है कब्जा जो उठाकर जो इसके एक्चुअल ओनर्स है उनको दिया जाएगा कानून के तहत में Lastly, where possession of any building or enclosure is to be delivered, and the person in possession who is bound by the decree does not give access to that property, the court may, through its officers, giving after giving a reasonable warning and facility to any woman not appearing in public due to the custom of the country, to withdraw, remove, or open any lock or a bolt, or by breaking the door or any other act, to put the decree holder in possession of the property. ये जो वाक्य बोला गया ये बोला गया खासकर जहाँ पे जो टेनेंट हो जाते हैं ना जो जो आपका कोई रूम पकड़ के बैठ गया कोई बिल्डिंग में या आपका और वो खाली नहीं करे तो ऐसे जगह पे बोला गया उसमें क्या आपको तरीका अपनाना है उसमें बोला गया है कि उस जगह पे आ जो है जाने भी नहीं दे रहा एकदम बंद कर दे किसी को आने जाने नहीं दे रहा है तो जो कोर्ट का को जो ऑफिसर होता है वो जाता है और रीजनेबल वार्निंग उनको देता है बताता है जो जाके जा बोलता है कि भैया कोर्ट की डिग्री हो गई है अब आपको इसको खाली करना चाहिए और उसके बाद उसको एक जो ऑर्डर होता है वो उसको चिपका के आना पड़ता है और अगर कोई औरत वहाँ पे बैठी हुई है जो आ, 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 अपने जो हमारे धार्मिक वो जैसे वो किसी आदमी के पास पे नहीं आ सकती तो उनको बताना पड़ता है कि भैया ये खाली होने वाला है आपको जो इंतजाम करना वो करिए और ये हम इसको आपको खाली करके करवा कर जो आदमी जिसका पास में होता है जिसका जो डिग्री होल्डर होता है जो केस जीतता है उसके हाथ में देना होता है तो ये सारे जो प्रोसेस जो आते हैं आपके ऑर्डर रूल थर्टी के तहत में आते हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कानून हैं और जो दूसरा कानून की हम बात करेंगे वो ऑर्डर ट्वेंटी वन, रूल थर्टी की बात करेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफर प्रॉपर्टी दैट इज इन द ऑफ टेनेंट यहाँ पे टेनेंट की बात को लेकर कहा गया है और उसमें ये बोला गया है कि अब कभी कभी क्या होता है

कोर्ट को ऑर्डर जो है वहाँ पे चिपका देता है और उसे बोलता है कि आपको इसको खाली करना पड़ेगा वो एक कुछ समय सीमा भी दे देता है कि इतने दिन के अंदर आप खाली करिए इतने घंटों के अंदर आप खाली करिए अगर वो इतने घंटों में नहीं खाली करते तो वो फिर उसको खाली करा के दिया जाता है रूल थर्टी सिक्स जो है ये उस स्थिति में हो जाती है जब एक थर्ड पार्टी का आ जाता है इसका यूज बहुत सारी जगह पे होता है अब हम आ जाते हैं कुछ केस लॉस के बारे में जैसे मुमताज जहान वर्सेस इंशाल्लाह करके एक केस है इट वाज हेल्ड दैट रूल बाय द डिग्री एंड अंडर बाय डिग्री टू डिलीवरी पोजीशन ये वहीं जो थर्ड पार्टी की जो बात हो जाती है वहाँ पे मुमताज जहान का केस जो है उस पे बोला गया है कि आपको तो उसको खाली करा के दे कोर्ट की डिग्री हो गया कोर्ट का को ऑर्डर हो गया तो उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा चाहे वो एक मतलब सिम्बॉलिक ही क्यों ना हो कि हाँ भैया अब इस जमीन का कब्जा हम आपको दे रहे हैं देखिए यहाँ पे सिम्बॉलिक वर्ड यूज हुआ है सिम्बॉलिक का मतलब क्या है अब बेचारा केस तो जीत गया है ए के अगेंस्ट में उसने केस जीत दिया, आप ए, ए तो निकला तेज उसने दे दिया बी को जीता इसने केस ए के अगेंस्ट है बी की बी का तो उसको पता नहीं था लेकिन अब जो कोर्ट का क्या काम है कोर्ट को अपना काम खत्म करना है तो कोर्ट उसको बोलता है कब्जा बताऊंगी जबरदस्ती है अपना तो एक एप्लीकेशन तो तो फाइल कर सकता है कि मैं तो इस केस में था ही नहीं मुझे कैसे खाली कराया तो तो जानता भी नहीं उनको तो वो एक अलग तरह का प्रोविजन हो जाता है लेकिन दोनों ही क्षेत्र में खाली करा के दिया जाता है अः दूसरा जो तो दो केस लॉस है रतन लाल जैन वर्सेज शंकर व्यास और व्यास यहां पे भी वही क्लैरिफिकेशन की बात हुई है बहुत डिस्कशन थोड़ा सा अलग जगह पे चला जाता है अदरवाइज अब उन क्षेत्र में क्या करे जहाँ पे यू नो खाली नहीं करे जबरदस्ती बैठ गए हैं कोर्ट लोग आ गए हैं मतलब कोर्ट से ऑफिसर्स गए नहीं आए उस जगह पे क्या होता है रूल 97 सेवन जो होता है वो आपका अप्लाई होता है और जो अपना जो रूल 97 सेवन जो हो, जो होता है वहाँ पे पुलिस को ऑर्डर कर दिया जाता है कि आप उनको आप निकालो वहां से है ना जो कोर्ट का ऑफिसर होता है पुलिस के जो बंदे होते हैं वो आते हैं वो आकर उनको जबरदस्ती उनको खाली करवा के दिया जाता है ये आपका आ जाता है रूल वन जीरो थ्री और रूल नाइनटी सेवन ऑर्डर ट्वेंटी वन के तहत में ये आ जाता है अब यहाँ पे मैं एक और एक चीज की बात करी थोड़ा सी इसको टच करी वो है ऑर्डर का स्कोप ऑफ इंक्वायरी ये जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी की जब बात आती है पे जो ऑर्डर रूल थर्टी सिक्स की मैंने बात की जहाँ पे थर्ड पार्टी जगह को पकड़ा हुआ है आपको उसके बारे में पता भी नहीं था यहाँ पे क्या होता है तो इसका एक छोटा सा मैं बता देती हूँ उसमें ये एक रिपोर्ट जाता है वापस कोर्ट को कि ये वहां पे जो तो कब्जा जो पकड़ के रखा है वो एक थर्ड पार्टी पकड़ के रखा है जो इस केस पे उसका कोई लेना देना था कहीं नाम भी नहीं उस बंदे का तो वैसे क्षेत्र में कोर्ट क्या करती है एक समरी इंक्वायरी करती है समरी इंक्वायरी मतलब एक बहुत छोटा सा इंक्वायरी करती है जिसमें थोड़े से एविडेंस भी होते हैं उसमें तो उतना समरी तो नहीं है लेकिन हाँ समरी होता है और एविडेंस होने के बाद में देखिये मुख्यतः पार्टी भी उस ऑर्डर पे आ जाता है उसके बाद में एग्जीक्यूशन का जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर करता है कि नहीं भैया आपको तो खाली करना पड़ेगा तो वो जो एग्जीक्यूशन जो ऑर्डर जो हो जाता है वो भी डिग्री के जो डिग्री का जितना इंपॉर्टेंस होता है उतना इंपॉर्टेंस उस ऑर्डर का भी हो जाता है और फिर उसको खाली कराना पड़ता है तो इसका बारे में मैं सोच रही हूँ एक अलग सा वीडियो से वीडियो बनाऊं क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसका प्रोसेस डिटेली बट ये है जो सीपीसी की प्रोविजन जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग यूज होती है और आप इसी तरह से जो कब्जा जो होता है वो जमीन का वापस मिलता है सारे प्रोविजन का पालन करते हुए ही मिलता है तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो फिनिक्स पे लीगल का अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो